में हम एक सिंपल सी कोडिंग करेंगे, जिस कोडिंग में हमारा ये होगा कि हम एनिमेशन के ऊपर अब पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी कवर कर चुके हैं, तो अब हमारे एनिमेशन पढ़ेंगे। तो एनिमेशन कैसे कवर करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक क्लॉज का बारे में डिफरेंट करते हैं कि जहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि एट द रेट, फिर की फ्रेम, जो जो एट द रेट का जो निशानी आ रही है यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको एक हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML का कुछ आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डिव बना दी, ठीक है। उस डिव में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्लास लिखने के बाद नीचे मैंने दे दिया कि ऐसे इस डिव में मैं जो भी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली चलेंगी। लेकिन उससे पहले आप डिव डिव के बाद कह लेते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनिमेशन द एलिमेंट रिट्रैक्ट, मतलब जो एनिमेशन हों दो जो जो एनिमेशन होगा वो जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिस जिस इफेक्टिव पे हम रखेंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के में आ जाएगा, जिसकी वो ओरिजिनल स्टेट होगी। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद जस्ट मैं आपको इसका लुक बताऊँगा कि कैसे ये लुक नज़र आ रहा है इसका। तो ये यहाँ पर है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे जाऊँगा, जाने के बाद इसको मैं यहाँ से ओपन विथ कर दूंगा क्रोम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन इसका मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिया था, तो इसका एक बार मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में यहाँ से मैं रेड दे देता हूँ, जो भी दे दें वो वहाँ पर इफेक्ट करेगा जिस तरह से आप उसको देना चाहते हैं। जैसे सपोज ये मेरी एक ओरिजिनल फॉर्म में मैंने डेटा दे दी है, ठीक है। अब मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देता हूँ और देखते हैं कि क्या करेगा ये आगे। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ से इसको भी आउट कर दूंगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा, यानी नीचे वाली ऊपर वाली चीज़ अब कोई नहीं। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने 0% से बैकग्राउंड को रेड कर दिया है। फिर 25, जब उसकी 25% भी आएगा तो उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, विड्थ उसकी 100 पिक्सल हो जाएगी, हाइट उसकी 100 पिक्सल हो जाएगी। 100% पर जब वो आएगा तो उसकी 300 पिक्सल विड्थ हो जाएगी। और सिंपल ये एक एनिमेशन की हमारे पास एक की रोल की फ्रेम का जो एक रोल होता है वो यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा एंड, और अब मैं कर दूंगा यहाँ से इसको रिफ्रेश। तो ये इस तरह से कुछ रोटेट होगा, ठीक है। यानी ये एनिमेशन काम कर रहा है, पहले वो छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ कि ये छोटा और बड़ा हो रहा है, यानी 0% वो क्या हो रहा है, रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेड रेड में फिर चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद फिर नीचे और एक कलर उसको चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, अब तीन इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, रेड हो रहा है, येलो हो रहा है और ग्रीन हो रहा है। तो जब वो सबसे छोटा होगा तो येलो हो जाएगा, सब बीच में आ जाएगा। स्टार्टिंग में उसका क्या होगा, बिल्कुल जो स्टार्टिंग होगी वो रेड में होगी, सबसे छोटा जब वो आएगा तो वो येलो हो जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी इफेक्ट होती। अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ रिमूव, और यहाँ से आकर मैं रखता हूँ उसको, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो स्टार्ट कर देंगे। अब देखना ये कुछ मूवमेंट करता रहेगा, देखें आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, यानी एनिमेशन चलती रहेगी। आप लोगों ने ये सुना होगा भाई, हम CSS में एनिमेशन देते हैं, हो सकता है पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि CSS में एनिमेशन भी देते हैं, बहुत सारे एनिमेशन के टाइप्स हैं, उसमें की फ्रेम एट द रेट का एक नाम आता है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एनिमेशन दे सकते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा कर मैं यहाँ से कोई भी पिक भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आकर इसकी पिक देना चाहूँ तो ऊपर मैं उस पिक का कलर दे दूंगा, ऊपर एक कलर होना चाहिए पिक, दूसरी फिर दोबारा दूसरी पिक होनी चाहिए, वो भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं, जिसे आपको करना चाहिए। अगर यहाँ से मैं कुछ इमेज वगैरह रखना चाहूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे पास इमेज होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इमेज अभी नहीं है। तो मैं यहाँ से जाकर लिखता हूँ .png, देखते हैं मेरे पास कोई ना कोई इमेज तो आ जाएगी, कम से कम लाजमन आएगी। हाँ, तो ये मेरा एक लोगो है, मेरे जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ उस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है IT, उसका ये लोगो है, सही है। और इसका मैं राइट क्लिक करके नाम चेक करता हूँ कि इसका नाम क्या है। अच्छा, इसका नाम 1.png है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूंगा 1.png, ठीक है। अब मैं इसको जाकर फ्रेश करता हूँ, देखते हैं कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। अब ये पिक्चर बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये पिक्चर की ओरिजिनल साइज आ रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ और भी पिक्स यहाँ पर लाना चाहता हूँ,
कहीं से मैं तीन पिक्स यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, कोई भी तीन होनी चाहिए, यहाँ पे मैं डार्ट PNG एक बार और से लिखता हूँ और मेरे पास और भी बहुत सारी पिक्स आ जाएंगी, जो भी मुझे यहाँ से अच्छी लगेगी मैं उस पिक को यहाँ से उठा लूँगा। सही, वैसे तो ये भी एक पिक है और इसको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पे रखता हूँ। एक और भी पिक मुझे चाहिए थी तो वो पिक भी देखते हैं कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, इसको भी कॉपी कर लिया या पेस्ट कर लिया। तो अब ये क्या होगा कि हम यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में एक बार फिर से यहाँ पर रखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और यहाँ पर URL, उस URL के अंदर मैं यहाँ पर नाम दूंगा जो भी मेरा नाम होगा 1.png, ठीक। फिर इसको मैं सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा, देखता हूँ अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। और सबसे पहले हम यहाँ से इसको कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अब अगर ये इफेक्ट हो जाएगा तो ऊपर वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये पिक आ गई है, सही। अब यहाँ पर हम पिक तो आ गए, अब हम दूसरी पिक यहाँ पर लगाते हैं सेम एज वही। अब यहाँ से मैं इसको कर दूँगा कॉपी और यहाँ पर आकर मैं कर दूँगा पेस्ट, सिर्फ पिक का नाम चेंज कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्स भी आ सकती है। तो दूसरे का नाम है SAU, अच्छा SAU मैं थर्ड बाई नंबर पर रखता हूँ और दूसरा नंबर है Image 2, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ Image 2। ठीक है, और फिर कर दूंगा इसको कंट्रोल एस और अब जाकर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, देखते हैं अब क्या आता है। ये देखिए चेंजेस हो रही है मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, फिर यहाँ पर दूसरी पेज यानी कलर था, कलर के बाद यहाँ से हमने पिक रख दी, पिक रखने के बाद जो भी आप आगे रखना चाहते हैं सब कुछ हो सकता है। यहाँ से मैं इसको 100% भी कर सकता हूँ, थर्ड बारी इस चीज़ को यहाँ पर ये 100% इसकी विड्थ हो जाए। और हाइट तो वही होगी जो है पहले वाली।